तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 364, सेक्शन 364A, और फिर डायरेक्टली हम मूव ऑन करेंगे सेक्शन 370, 375, 376 उन पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 364 और 364A को एक बार देख लेते हैं हम। 364 क्या बताता है? किडनैपिंग और अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑलरेडी, सेक्शन 364, जो कि अगर किसी को किडनैप किया जाता है, एबडक्ट किया जाता है। किडनैप तो किसके लिए आ रहा था? जहां पे जो एज है पर्सन की, वो बॉय अगर है तो 16 इयर्स हो, गर्ल है तो 18 इयर्स हो। और एबडक्ट कब किया जा रहा था? एबडक्ट में आ रहा था कि ऑफ एनी एज विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, तो वो था। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये किडनैपिंग और अबडक्शन मर्डर के ऑब्जेक्ट से अगर किया जाता है, तो फिर उसमें पनिशमेंट कितना हो जाएगा? पनिशमेंट हो जाएगा आइदर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। ये है, और यही किडनैपिंग सेक्शन 364A ऐड किया था। यही किडनैपिंग अगर रैंसम के लिए किया जाता है, यानी कि कुछ फिरौती वगैरह वसूलने के हिसाब से अगर की जाती है, तो सेक्शन 364A उस पर अप्लीकेबल हो जाता है। सेक्शन 364A जो कि इंसर्ट किया था 1993 में, राइट? आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, सेक्शन 364A 1993 के अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंसर्ट किया था। और ये क्या प्रोवाइड करता है? दैट इज हूएवर किडनैप्स और एबडक्ट्स, तो हेडिंग में तो सिर्फ किडनैप था लेकिन ये एबडक्ट्स भी इसमें आ रहा है, एनी पर्सन और कीप्स अ पर्सन इन डिटेंशन आफ्टर सच किडनैपिंग और अबडक्शन एंड थ्रेटन्स टू कॉज डेथ और हर्ट टू सच पर्सन और बाय हिज कंडक्ट गिव्स राइज टू अ रीजनेबल एप्रिहेंशन दैट सच पर्सन मे बी पुट टू डेथ और हर्ट। तो या तो डराता है, करता है, या कोई भी ऐसे काम कर रहा है जिससे इस तरह का इसकी संभावनाएं क्रिएट कर रहा है, ऐसा संदेह उत्पन्न कर रहा है कि ये या तो जिस पर्सन को किडनैप किया, एबडक्ट किया, उसका की डेथ कॉज कर देगा या उसको बहुत हर्ट कॉज कर देगा, इस तरह का। और क्यों ऐसा किया जा रहा है? और कॉजेज हर्ट और डेथ ऑफ टू सच पर्सन इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट, या फिर ऐसे पर्सन को जो हर्ट और डेथ कॉज की जा रही है वो गवर्नमेंट को कंपेल करने के लिए, किस किसी तरह का गवर्नमेंट से कोई बात मनवाने के लिए, एनी फॉरेन स्टेट और इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर पर्सन टू डू और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट और टू पे अ रैंसम। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया जा रहा है, तब तो भाई कुछ एक्ट करने या कुछ ना करने के लिए, या फिर कोई फिरौती वसूलने के लिए। शैल बी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो इसको आप सिंपल सा कोरिलेट कर सकते हैं। कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा, किसी गवर्नमेंट अधिकारी वगैरह को किडनैप कर लेते हैं जो टेररिस्ट होते हैं वो, और फिर अपनी मांग रखते हैं कि हमारे इस साथी को छोड़ा जाए, या इस तरह की कोई भी अपराधी होता है तो उसको जेल से छुड़ाने के लिए, तो वो भी इसमें आ जाएगा। एबडक्शन हुआ है, और एबडक्शन तो किसी भी एज का पर्सन का हो सकता है, और एबडक्शन करने के बाद में फिर वो गवर्नमेंट से या फिर किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी से, चाहे वो इंटरनेशनल भी हो सकता है, वो फॉरेन स्टेट का भी हो सकता है कोई भी, और उनसे फिर अपनी कुछ इलीगल डिमांड्स कर रहे हैं। इट मे बी टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी लीगल थिंग, दैट मे बी देयर इंटेंशंस, या फिर कोई रैंसम डिमांड कर रहे हैं, यानी कि कुछ पैसा डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये चीजें चाहिए। तो वो सब सिचुएशन करने पर पर्सन को डेथ सेंटेंस या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये सब पनिशमेंट हो सकेगा, राइट? अब इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे सेक्शन 370 की तरफ। एक बार इसको देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, माइंड में पूछना चाहते हैं तो बोलिए। तो हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन 370 की तरफ। जैसे कि आपको ध्यान है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आईपीसी के, वही मैं आपको करवा रहा हूँ। सारे एक एक सेक्शन को हम सीक्वेंस में नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं इसमें। तो सेक्शन 370 बताता है रिगार्डिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए आप अपने माइंड को दौड़ाएं और सोचें कि क्या ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या कोई प्रोविजन है? आर्टिकल याद नहीं है?
दैट इज आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, जिसमें बेगार वगैरह हमने पढ़ा ना, फोर्स लेबर जो बॉन्डेड लेबर्स वगैरह वाला होता है वो सारा भी उसमें था। और मेनली क्लियर वर्ड्स में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, तो उसी को यहाँ पे बात कर रखा है सेक्शन 370 में। और ये सेक्शन 370 भी जो है ना ओरिजिनल नहीं है, इट इज सब्स्टिट्यूटेड। फाइन, अर्लियर इट वॉज समथिंग डिफरेंट, देन इट वॉज सब्स्टिट्यूटेड इन 2013 में इसको क्या किया, चेंज कर दिया गया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो आप जानते ही हैं, यानी इंसानों का खरीद फरोख्त करना, और वो प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से हो सकता है, बेगरी के लिए हो सकता है, और इवन जो बॉडी पार्ट्स के लिए भी होता है, किडनीज वगैरह के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, और भी बहुत सारे ऐसे घरों में काम करवाने के लिए बहुत सारे ऐसे रहते हैं रीजंस, फॉर दैट पर्पज द ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज डन। सो हूएवर फॉर द पर्पजेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन recruits, transports, harbors, transfers, receives a person, ठीक है, ये सभी words देखें आप। सबसे पहले तो exploitation तो आप जानते ही, किसी का शोषण करना। recruits का मतलब ढूंढना करना, ऐसे जहाँ जिससे कि लोगों को फिर एक जगह से दूसरी जगह बेचा करा जा सके, इस तरह से ढूंढना। recruit का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना, तलाश करना, और फिर तलाश जैसी हमें जरूरत हो उसकी तरह से खोज करना। किसी खोए हुए व्यक्ति की तलाश करना वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जैसे जिन लोगों को हम बेच सकें ऐसे लोगों की तलाश करना, इस तरह से वो रिक्रूट्स में आता है। ट्रांसपोर्ट्स, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, बस में, ट्रेन में, किसी भी तरह से। हार्बर्स, उन्हें एक जगह पे रख के उनका संरक्षण करना। और ट्रांसफर्स, एक जगह से दूसरी जगह भेजना अगेन। और रिसीव्स, यानी कि जो ट्रैफिकिंग के पर्पज से किसी इंसान, ह्यूमन बीइंग्स को रिसीव करना। तो ये सभी वर्ड्स जहां पे भी इन्वॉल्व होते हैं, किस पर्पस से, अ पर्सन और पर्संस बाय यूजिंग थ्रेट्स, यूजिंग फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोरेशन, यानी कि धमकी देकर या फिर किसी अदर तरह का उनको डर दिखाकर, और बाय एबडक्शन, यानी कि उन्हें अपने बिना कंसेंट की हिरासत में लेके, by practicing fraud or deception, किसी तरह का धोखा या forgery करके, कि इन तरीकों से अगर किसी person का exploitation किया जाता है, recruit करते हैं उनको, transport करते हैं, harbors करते हैं, transfer करते हैं, receive करते हैं, right? आगे बढ़ते हैं, section में हम क्या देता है, by abuse of power, अपनी power का इस्तेमाल करते हुए उनको जोर जबरदस्ती से, और by inducement, including the giving or receiving of payments or benefits in order to achieve the consent, यानी कि भाई आप हमारे साथ में चलो, हम आपको इतना पैसा दे देंगे, या आपके घर वालों को हम इतना पैसा दे देंगे, but ultimately वो जो लेके जा रहे हैं वो एक illegal तरीके से, उनको आप नौकरी देने के लिए ले जा रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन नौकरी देने के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर बना रहे हो आप उनको, कि एक बार पैसा दिया आप सारी जिंदगी हमारे लिए काम करते रहो, या जो अंडर एज चिल्ड्रन है उनसे हम कोई काम करवा रहे हैं, बिलो द 14 ईयर्स ऑफ एज वाले बच्चे अगर हैं उनसे काम करवाने के लिए जा रहे हैं घरों में, तो वो सारी चीज नहीं होनी चाहिए। सो बाय इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट और बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन रिक्रूटेड। तो ये सेंटेंस जो है ना, इस सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करें कि एक बच्चा है, उस बच्चे के पेरेंट्स को काफी सारा पैसा देने का लालच दिया जाता है कि भाई आप अपने बच्चे को हमें दे दीजिए तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे, और वो पेरेंट फिर उस बच्चे को मना लेगा और कंसेंट दे देगा अपनी। नॉर्मली तो हमने क्या देखा है कि जो 16 ईयर से बिलो एज वाला है, 18 ईयर से बिलो एज वाला है, तो उसकी कंसेंट वो खुद नहीं देता है, बल्कि उसके कंसेंट उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स वो देते हैं। अब यहाँ पे शब्द क्या लिखा हुआ है, जिसके कंट्रोल में वो बच्चा है या वो पर्सन है, उस पर्सन को कुछ पैसा देने का लालच देना उसे। रिक्रूटेड, ट्रांसपोर्टेड, हार्बर्ड, ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। तो किसी भी तरीके से अगर
फोर्स का यूज करके, फ्रॉड का यूज करके, कोरेशन का यूज करके, इंड्यूसमेंट देके, अनलॉफुल इंड्यूसमेंट देके, इन सब तरीके से किसी भी व्यक्ति को अगर रिक्रूट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हार्बर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, रिसीव किया जाता है, तो वो आ जाता है इन द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग. द एक्सप्रेशन एक्सप्लॉयटेशन शैल इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें मारपीट भी आ जाएगा, और एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, शारीरिक शोषण भी आ जाता है उसमें, ठीक है, और स्लेवरी यानी कि गुलाम बना के काम करवाना, और प्रैक्टिसेस सिमिलर टू स्लेवरी या फिर गुलाम जैसी ही मिलती जुलती कोई तरीके, सर्विट्यूड और द फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि बॉडी के पार्ट्स निकाल लेना, किडनी निकाल लेना या अदर कोई बॉडी पार्ट्स, जिससे कि उनको महंगे दामों में फिर बेचा जा सके. सेकेंडली, द कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमटेरियल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग. अब मान लीजिए अगर कोई पर्सन कहे कि भाई इस, ये तो अपनी कंसेंट से हमारे साथ में आ रहा है, हम इसके चाहे इसको काम करवाने के लिए ले जा रहे हैं या इसके बॉडी के ऑर्गन्स निकालने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन इसने तो अपनी खुद की कंसेंट दी है, तो ये भी इलीगल है. कोई पर्सन अपनी खुद की कंसेंट से भी अपना कोई बॉडी पार्ट सेल नहीं कर सकता. आपको पता है कि जैसे ब्लड होता है, तो ब्लड के लिए ब्लड डोनेशन होता है, ब्लड सेल नहीं होता है कभी भी. कहीं पे भी कैंप लगता है, जो ब्लड बैंक्स होते हैं वहां पे आप जाके अगर अपना ब्लड देना चाहें, यू कैन जस्ट डोनेट द ब्लड. ऐसा नहीं कि आप ब्लड देंगे उसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे, वो नहीं होता है. तो इसी तरह से, और अगर कोई किडनी वगैरह का जो मैटर रहता है, तो किडनी में ही होता है, जो ब्लड रिलेशन में कोई पर्सन है वही किडनी डोनेट कर सकता है अपने रिलेटिव को. ऐसा किसी अदर पर्सन को आप ना पैसे दे देवा के उससे आप किडनी परचेज कर लें कि भाई हमने तो कंसेंट से इससे लिया है, ये सब चीजें अलाउ नहीं होती है, ठीक है. तो ये चीज आती है कि कंसेंट जो है वो पूरी तरह से इमटेरियल हो जाएगी ट्रैफिकिंग की कंडीशन में. आगे देखिए सबसेक्शन टू क्या कहता है. Whoever commits the offense of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years. जहाँ पे भी कहीं पे word not less than आता है, इसका मतलब आपको ध्यान है, minimum punishment specified करने वाला section है. But which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Where the offense involves the trafficking of more than one person, यानी सिर्फ एक ही व्यक्ति को ले जाया गया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन एक से ज्यादा व्यक्ति का अगर trafficking किया जा रहा है, यानी इस तरह के व्यापार में कोई involved है, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years and may extend to imprisonment for life. And where the offense involves the trafficking of a minor, ab yahan pe agar kisi avyask vyakti ka trafficking kiya jata hai, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years and may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. Where the offense involves the trafficking of more than one minor, ठीक है, more than one minor की बात आ रही है, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 14 years. तो कम से कम 14 साल तो होगा ही होगा, but which may extend to imprisonment for life. If the person is convicted of the offense of trafficking of a minor on more than one occasion, यानी एक बार person को convict कर दिया, उसके बाद में वो छूट गया, फिर दोबारा से उसको सेम ऑफेंस के लिए अगर कन्विक्ट किया जाता है, रिपीटेड ऑफेंडर अगर वो है, देन सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. तो कम से कम तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उसको दिया जा रहा है, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमेंडर ऑफ पर्सन नेचुरल लाइफ. यानी कि उसका जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसको कम्यूटल नहीं किया जाएगा. नॉर्मली हमने पढ़ा है ना कि अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाता है, तो स्टेट के पास में ये पावर रहती है दैट उसका जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको कम्यूट कर और कम कर दिया जाए, और कितना कर दिया जाए, 14 इयर्स तक का कर दिया जा सकता है उसको कम्यूट करके. लेकिन अगर कोई पर्सन ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर के ऑफेंस में इन्वॉल्व है, और वो भी रिपीटेड ऑफेंडर अगर वो है, तो ऐसे पर्सन को किसी तरह का कम्यूटल नहीं मिलेगा. व्हेन द पब्लिक सर्वेंट और द पुलिस ऑफिसर इज इन्वॉल्व. अब देखिए, ये नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि पब्लिक सर्वेंट या फिर पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व इन द ट्रैफिकिंग ऑफ एनी पर्सन, then such public servant or public office police officer shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life. क्योंकि कोई public servant या police officer है, वो एक तरह का क्या होता है, fiduciary relationship उनके साथ रहता है, उनके साथ में एक विश्वासजनक relationship रहता है. बिल्कुल कोई unknown person होगा तो हम वैसे भी सतर्क रहेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन के आया है,
तो उस पे तो वैसे भी भरोसा करेंगे कि ये लेके जा रहा है तो किसी ना किसी लॉफुल रीजन से ले जा रहा होगा। मालूम पड़ा वो ले जाके और फिर उनका बेच देता है उनको, तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा ज्यादा हीनियस क्राइम में आ जाता है अगर पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर ऐसा कुछ करता है। तो उसके लिए पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया, और वो भी इम्प्रिजनमेंट फॉर होल ऑफ द रिमेंडर लाइफ वो उसमें हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 370। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन कोई डाउट माइंड में अगर है सेक्शन 370 से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे मूव ऑन करेंगे सेक्शन 375 की तरफ। सेक्शन 375 जो कि रेप को डिफाइन करता है। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, कब ऐसा माना जाएगा कि एक पुरुष ने बलात्कार किया है, उसके बारे में यहाँ पे कंडीशन दिए ए बी सी डी करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेनिट्रेट्स हिज पीनस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना माउथ और यूरेथ्रा और एनस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें फोर कंडीशंस दे रखी हैं, वेजाइना माउथ यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। तो ये रेप की कैटेगरी में आ जाएगा सबसे पहला। सेकेंडली, इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पीनस इनटू द वजाइना द यूरेथ्रा और द एनस। अब यहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट नंबर ए में, क्लॉज ए में तो बात की थी कि अगर पीनस पेनिट्रेट किया गया वजाइना माउथ यूरेथ्रा और एनस, तो चारों कंडीशन में उसको हमने इन द कैटेगरी ऑफ रेप ले लिया। लेकिन अगर पीनस के अलावा कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर इंसर्ट किया जा रहा है तो उसमें एक पॉइंट कम कर दिया, क्या, माउथ। यानी कि मान लीजिए कोई स्टिक है, स्टिक अगर माउथ में दी गई तो उसको हमने रेप की डेफिनेशन में नहीं लिया, ये क्लॉज नंबर बी कह रहा है, राइट। पॉइंट नंबर सी, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वजाइना यूरेथ्रा एनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी सच ऑफ सच वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद इन और एनी अदर पर्सन और अप्लाइज हिज माउथ टू द वजाइना एनस यूरेथ्रा ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू विद हिम और एनी अदर पर्सन। तो फोर कैटेगरीज यहाँ पे दिए हैं, आई होप चारों आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। इसमें से सिर्फ माउथ का जो यूज लिया है वो पॉइंट नंबर ए में उसको लिया गया है। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा अगर कोई ऑब्जेक्ट अदर देन पीनस इंसर्ट किया जा रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड किया जाएगा, और मैनिपुलेशन ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ वुमेन में आ रहा है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, और अगर पर्सन अपना माउथ, और ये यूज किया जा रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑफेंस यूज किया जा रहा है अगेंस्ट द मैन ओनली, अप्लाइज हिज माउथ टू द वजाइना एनस और यूरेथ्रा, तो वो भी रेप की कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। फर्दर, अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेवन डिस्क्रिप्शंस। अब ये जो ऊपर दिया है ये फोर कंडीशंस, ये फोर कंडीशंस नीचे वाली सर्कमस्टांसेस, नीचे वाली सेवन सर्कमस्टांसेस में अगर आती हैं तब उसे रेप की कैटेगरी में हम ले रहे हैं। तो वो कौन सी सेवन सर्कमस्टांसेस हैं उनको भी हमें देख लेना है। फर्स्ट वन, अगेंस्ट द विल। इसका मतलब क्या है, अगर किसी के कंसेंट से किया गया है, वुमेन के कंसेंट से किया गया है तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा रेप में, विदाउट हर कंसेंट। कंसेंट एक चीज हो गई, विल एक चीज हो गई। देखिए कई बार क्या होता है कि पर्सन विलिंग नहीं होता है, पर्सन की विल तो नहीं होती लेकिन कंसेंट फिर भी वो देता है। किस तरह से दी जा सकती है कंसेंट और विल में, आप डिफरेंस समझें। मैं अगर किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रहा हूं तो वो तो हो गया विदाउट कंसेंट। दूसरा, मैंने किसी पर्सन के रिलेटिव को बंदी बना रखा और मैंने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपका ये जो रिलेटिव है इसको मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, तो पर्सन ने अब अपनी कंसेंट तो दे दी है लेकिन क्या उसकी विल है उसमें। सिचुएशन समझ में आई आपको, कि पर्सन अपनी कंसेंट तो दे रहा है
लेकिन उसकी विल नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर वो कंसेंट दे रहा है। क्यों दे रहा है अपनी कंसेंट? अब वो हो सकता है इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके तरह से उससे कंसेंट ले ली गई लेकिन उसकी विल नहीं थी उसमें, राइट। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है अगेंस्ट द विल, और पॉइंट नंबर सेकंड कहता है विदाउट हर कंसेंट। थर्ड पॉइंट आता है विद हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन होम शी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट। यानी कि कोई भी ऐसे पर्सन जिसके अंदर उसका कुछ इंटरेस्ट है, कुछ हित है, ऐसे पर्सन की डेथ कॉज करने का डर दिखा के या फिर उसको हर्ट कॉज करना दिखा के उसकी कंसेंट ली जाना। फोर्थली आता है विद हर कंसेंट व्हेन द मैन हु मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड। अब ये देखिए, ये बड़ा एक अजीब सा इसमें सिचुएशन है। जो मैन ऐसा एक्ट कर रहा है वो ये जानता है कि मैं इसका हस्बैंड नहीं, लेकिन जिस वुमन के साथ किया जा रहा है उस वुमन को ये बात पता नहीं है। वो वुमन तो अपनी कंसेंट से ही एक्ट कर रही है, सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म हो रहा है विद द कंसेंट ऑफ वुमन हो रहा है, क्योंकि उस वुमन को ये नहीं पता है दैट ये मेरा हस्बैंड नहीं है, इन गुड फेथ हो रहा है। और जो मैन है, मैन को ये बात पता है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो रेप में काउंट हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है, दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन टू होम शी इज और बिलीव्स हर सेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड। तो उसको, वुमन को तो क्या लग रहा है, मेरी इसके साथ में मैरिज हुई है इसलिए मैं इसके साथ ये सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन हस्बैंड ये बात जानता है कि मैं इसका हस्बैंड नहीं हूं। तो किसी तरह का मिसकंसेप्शन, मान लीजिए आप कोई मिसकंसेप्शन अगर क्रिएट कर दिया गया है ऐसा कोई, तो ऐसी कंडीशन में भी फिर वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। फर्दर थ्री और सिचुएशंस इसमें आएंगे। फिफ्थली आता है विद हर कंसेंट, फिर से कंसेंट से किया जा रहा है। विद हर कंसेंट एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कोई पर्सन ऐसा है जो अनसाउंड माइंड की कंडीशन में है या फिर इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में है, एंड दैट इंटॉक्सिकेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर बाय एनी स्टेपिफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट टू विच द ही गिव्स द कंसेंट। सिर्फ सिंपली अगर दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं इसमें, तो यही ले सकते हैं आप। पहला कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उसे पता ही नहीं है कि मैं किस बात की कंसेंट दे रहा हूँ, और दूसरा कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है तो उसे भी इस बात का एहसास नहीं है कि मैं जो कंसेंट दे रहा हूँ उससे मेरा क्या नुकसान हो सकता है, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। फर्दर विदाउट और विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर द 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर 18 ईयर्स ऑफ एज के बिलो है तो फिर अगर विद कंसेंट भी ऐसा एक्ट किया गया है, विद कंसेंट भी किया गया तो भी रेप की कैटेगरी में आएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए कि विद कंसेंट भी अगर 18 ईयर्स से बिलो एज के विमेन के साथ कुछ किया जाता है सेक्सुअल एक्ट, तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। फर्दर व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जब वो कंसेंट देना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था, दे ही नहीं सकती थी ऐसे में अगर उसके साथ कोई ऐसा एक्ट हुआ। फर्दर एक्सप्लेनेशन नंबर वन क्या कहता है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन वजाइना शेल ऑल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा, राइट। देन एक्सप्लेनेशन नंबर टू, कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलेंटरी एग्रीमेंट व्हेन द वुमन बाय वर्ड्स। अब कंसेंट किस किस को कहा जाएगा, या तो बाय बाय वर्ड्स हो जाए कंसेंट, जेस्चर्स हो जाए यानी कि इशारों से, और एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी किसी भी तरह का वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जेस्चरल जो है वो नॉन वर्बल ही होता है, इवन रिटन भी नॉन वर्बल में आ जाता है। कम्युनिकेट्स विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट। तो कंसेंट को किस में लिया जाएगा, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, किसी भी तरह का जेस्चरल फॉर्म हो, वर्ड्स में हो, फिगर्स में हो, किसी भी तरह से हो, तो उसको कंसेंट में ले लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट अ वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन शैल नॉट बी द रीजन ओनली ऑफ दैट फैक्ट
बी रिगार्डेड एज कंसेंटिंग टू द सेक्सुअल एक्टिविटी। ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रोविजो में लिखा है कि अगर कोई फीमेल ने अपने साथ हो रहे सेक्सुअल एक्ट से अगर रेजिस्ट नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया, तो सिर्फ इस बात से कि उसने विरोध नहीं किया ये नहीं मान लिया जाएगा कि उसकी कंसेंट थी, राइट। ये प्रोविजो में इंपॉर्टेंट प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट अ वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन शैल नॉट बाय द रीजन ओनली ऑफ दैट फैक्ट। ये वर्ड ओनली पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इस वजह से ये नहीं मान लिया जाएगा कि उसने रजिस्ट नहीं किया था तो इसलिए उसकी कंसेंट थी। हाँ, रजिस्ट नहीं करने के साथ में और भी कुछ उसमें इंक्लूड, और भी रीजंस ऐड किए जाते हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐड किए जाते हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसने रजिस्ट नहीं किया था तो हम ये मानते हैं उसकी कंसेंट थी, ये नहीं माना जाएगा। और यहाँ दो एक्सेप्शन और दे रखे हैं, इन्हें एक्सेप्शन को हम और देखेंगे, बाकी इसके आगे का फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक्सेप्शन नंबर वन सेज दैट अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। अब कोई किसी मेडिकल प्रोसीजर में ऐसे कोई पेनिट्रेशन वगैरह किए जाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाता है, कोई ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें किसी भी तरह के मेडिकल प्रोसीजर में ये सब एक्ट होते हैं परफॉर्म, तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। फर्दर, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, थोड़ा सा ये कहा जाए तो एक ड्रॉबैक है, बट जो है एक्ट में वो हमें पढ़ना है। द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 इयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप, जिसको हम सीधे सीधे एक सेंटेंस कह सकते हैं, दैट इज मैरिटल रेप इज नॉट एन ऑफेंस, मैरिटल रेप विल नॉट बी एन ऑफेंस एज पर द एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375। ठीक है, अब रिगार्डिंग द पनिशमेंट कितना होगा, क्या होगा, सेक्शन 376 में इसके बारे में कितना पनिशमेंट है, और उसके बाद में उसके एग्रेवेटेड फॉर्म जो है सेक्शन 376 ए बी सी डी ई, उन सभी को हम पढ़ेंगे डिटेल में अपनी कल की क्लास में। जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया है आज, इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा आफ्टर द क्लास, और कोई डाउट अगर अराइज होते हैं तो हम अपनी कल की क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं शाम को 9:30 बजे CRPC क्लास में। अभी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।